सिकंदरा के गांव वैना प्राथमिक विद्यालय में स्नैक के पैकेट में छिपकली निकलने का मामला सामने आया है। दो बच्चों के स्नैक खा लेने से हालत खराब हो गई, जिन्हें राजपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। बच्चों की हालत में सुधार है। वहीं SDM ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। कानपुर नगर, कानपुर देहात और आसपास के जिलों में नमकीन समेत विभिन्न स्नैक बनाने का बड़ा कारोबार चल रहा है। अलग अलग स्थानों पर नमकीन बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री लगाई जा रही हैं। इन फैक्ट्रियों में नमकीन के अलावा अन्य खाद्य पदार्थ की तैयारी की जाती है। कानपुर देहात से लेकर कानपुर नगर और औरैया समेत अन्य जिलों में माल सप्लाई किया जाता है। कुछ दिनों पहले कानपुर देहात से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ था, जिसमें प्राथमिक विद्यालय में नमकीन के पैकेट में मरी हुई छिपकली निकलने का दावा किया गया था। वहीं कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल सहित अन्य अधिकारियों को ट्वीट कर शिकायत की। SDM डॉक्टर पूनम गुप्ता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए PSC में भर्ती बच्चों को उचित ट्रीटमेंट के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।